गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, हिंदी में भी हम लोगों ने समझा था, इंग्लिश में भी हम लोगों ने समझा था, और इसको स्ट्रक्चर को लिख करके भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर के समझा था। तो आज हम लोग इसका जो अगला स्टेप है प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बाद से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो लेट अस लर्न व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन आर इन प्रोग्रेस एंड इट हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड येट। वन सेकेंड, फिर से एक बार समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन और इन प्रोग्रेस, इट हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड येट। कहने का मतलब यह है कि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है और वह कार्य जारी ही रहता है, पूरा नहीं होना पाया जाता है। अगर हम हिंदी में इसे समझना चाहेंगे तो जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लिख करके समझेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टॉपिक है आज हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हम लोग का आज टॉपिक है, पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर को समझना है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका इंग्लिश में। यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एक्सप्रेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करता है, बताता है दैट द एक्शन जो कार्य है इज गोइंग ऑन, जारी है, और अथवा इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस में है, चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। इट हैज नॉट बीन फिनिश्ड येट, और ये पूरा नहीं हुआ, मीन्स इसमें पूरा होने की कोई चीज दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे चीजों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं हिंदी में, कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये था इसका डेफिनेशन। बढ़ते हैं आगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम बनाएंगे कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अफर्मेटिव, जो सकारात्मक है, एफ आर यहाँ पे अफर्मेटिव मानेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग लिख भी लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम ऑब्लिक आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर, वी फोर को हम
वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म भी कहते हैं, बोथ आर द सेम मीनिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा स्ट्रक्चर हम लोग का। तो यहां पे एक समझने वाली बात है कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन, सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है इज का यूज करेंगे, लिसन ये वेरी केयरफुली, एंड प्लूरल के साथ मीन्स बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ हम आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो जो बहुवचन में आएगा जैसे वी यू एंड दे, वी यू एंड दे, इनके साथ हम आर का यूज करेंगे। सिंगुलर मीन्स ही सी इट एंड जो भी अदर एटीसी नेम्स आ जाएगा उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। बच गया हम लोग का आई, आई जो है आई के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा एम यूज होगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हियर, तीन तरह की सहायक क्रियाएं हैं। आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, सिंगुलर मीन्स एक वचन के साथ हम इज का यूज करेंगे, वी यू दे और जहां पे बोध होता है कि ये बहुवचन है उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो लेट अस टेक अ एग्जांपल हियर, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि सब आ रहा है, इससे बोध हो रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव है क्योंकि ये यस टाइप है। सो अगर इसको हम चेंज करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें तुम, कौन पढ़ रहा है, तो तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तुम मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो है आर्टिकल है और जो किताब है यहाँ पे जो बुक है ये ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना क्या है मेन वर्ब है, और रहा रही अगर आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट मीन्स यू, यू हो गया, यू को हमें यहाँ पे प्लूरल माना है, बहुवचन माना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, जैसे इज एम आर, इन तीनों में से हम सेलेक्ट करेंगे आर। हमने आर क्यों चुना, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यू आर, उसके बाद से है वी फोर मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो रीड होता है यहाँ पे आर ई ए डी, रीड हो गया फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे रीडिंग, यू आर रीडिंग, तो ये होगा वी फोर प्लस वी फोर को हम यहाँ पे वी फोर को हम वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म भी कहते हैं, बोथ आर द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब क्या है एक ही है। तो वी वन प्लस आई एन जी आप कह लो या वी फोर कर सकते हैं। यू आर रीडिंग क्या पढ़े हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा है अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो ये रहा स्ट्रक्चर इसका, और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से एक एग्जाम्पल रहा। इन द सेम वे अफर्मेटिव के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर निगेटिव, निगेटिव का मीनिंग होता है नकारात्मक। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट, एस पर सब्जेक्ट मान लेंगे इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इज एम आर प्लस नॉट, निगेटिव सेंस के लिए नॉट, प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो ये हो गया हम लोग का निगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसी को अगर लेंगे कि तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो यू हो जाएगा यहाँ पे यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। क्यों आएगा, क्योंकि यू यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, बहुवचन का काम कर रहा है, तो यू आर ऑब्लिगेटिव के लिए नॉट यहाँ पे लेंगे, यू आर नॉट, और क्या तो मेन वर्ब है रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अ बुक, अ आर्टिकल है और बुक हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो मींस क्या, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, ये रहा निगेटिव स्ट्रक्चर। इन द सेम वे यू हैव टू राइट हियर अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, उसके बाद से इंट्रोगेटिव आएगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए हो जाएगा यहां पे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब थी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप। फिर से वन सेकंड,
जो तीनों है इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद सब्जेक्ट फॉर फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एक उसी का एग्जांपल हम लेंगे यहां पे, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो सबसे पहले ये जो क्या है यहाँ पे हम वाट का यूज नहीं करेंगे, वाट मीन्स भी क्या होता है, बट इन द टेंस, टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम मीन्स होता है यू, तो यू प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आर, लिख लेंगे यहाँ पे आर। तीनों में से सेलेक्ट हमने किया क्या, आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, फिर आएगा सब्जेक्ट आर यू, आर यू, फिर है बिफोर तो रीडिंग, आर यू रीडिंग, और क्या तो अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, और आफ्टर दैट यू हैव टू पुट हियर क्वेश्चन मार्क, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, ये हो गया। और इसी का आई फॉर इंट्रोगेटिव समझेंगे और एम फॉर निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, क्या, अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर लिख लेंगे ऐसे ही लिखेंगे इज एम आर, और जो सब्जेक्ट है जो मेन वर्ब है प्लस सब्जेक्ट अ प्लस नॉट अ प्लस वी फोर, ये जो सब्जेक्ट है और जो वी फोर है इसके पहले इसके दोनों के बीच में हम नॉट लिखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसका हम मीनिंग लेंगे यहाँ पे, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो जाएगा यहाँ पे, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा यू है और जो मेन वर्ब है वो क्या है, रीडिंग है। तो यहाँ सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या है, नॉट है। तो इन द सेम वे यू हैव टू राइट हियर यू आर नॉट मीन्स क्या, आर यू नॉट, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर एंड और एग्जाम्पल। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और लर्न करेंगे घर पे। और एक और चीज, जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये तो स्टार्टिंग में आपका क्या आया है, अगर ये आ जाता है कि तुम एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, लिख के देखते हैं, तुम एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्यों, कब, कैसे, कहां, कहां नहीं, जो भी है। तो इसकी स्पेलिंग यू हैव टू राइट फर्स्ट, ये जो था सिंगल इंट्रोगेटिव में आता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और जो बीच में अगर क्यों, कब, कहां, कैसे आएगा, सब कुछ स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल इसको पहले हम क्यों का मीनिंग, जैसे तुम एक किताब क्यों पढ़ रहे हो, कैसे क्यों ले लेते हैं, और बेहतर समझ में आएगा हम लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे तुम एक किताब क्यों पढ़ रहे हो, तो ये अफर्मेटिव में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, लेकिन निगेटिव क्या है, सेंस में अफर्मेटिव, जैसे इंट्रोगेटिव हो गया यहाँ पे, इंट्रोगेटिव इसलिए है तुम एक किताब क्यों पढ़ रहे हो, तो क्यों का सेंस है, निगेटिव का सेंस नहीं है। तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पे था क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो वैसा ही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बस जोड़ देंगे, जो क्यों है यहाँ पे वाई लिख देंगे, वाई हो गया, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करेंगे, ठीक। तो वाई, वाई के बाद से हो जाएगा आर, आर आएगा यहाँ पे वाई आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आर जगह वाई आर यू सब्जेक्ट, वाई आर यू मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो हाउ आर यू रीडिंग बुक, ठीक, कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग अ बुक, ठीक। निगेटिव में आएगा तो बस निगेटिव में आएगा अगर तुम एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो निगेटिव का सेंस क्या है, तो वाई आर यू सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में अपन नॉट ऐड कर देंगे, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, जितना भी आएगा अगर ये बीच में है तो इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और स्टार्टिंग में है तो सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इसी तरह से आप लोग घर पे बैठ करके इसको लर्न बाय हार्ट करेंगे, और अगला जो भी है अगला हम क्लास में नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।